नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। पाकिस्तान में एक बार फिर से सिख समुदाय के लोगों पर हमला हुआ है। एक सिख शख्स की हत्या हुई है और सिख समाज पर हमले का यह मामला पाकिस्तान के पेशावर का है, जहां पर पेशावर में सिख समाज से आने वाले हकीम सतनाम सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। और सतनाम सिंह पेशावर के मशहूर और प्रतिष्ठित शख्स माने जाते थे और पेशावर में क्लिनिक चलाते थे। कैप्टन अमरिंदर ने पेशावर में सरदार सतनाम सिंह की हत्या पर ट्वीट करके कहा है कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह का हम वो ट्वीट दिखाते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में हकीम सतनाम सिंह जी की निशंक हत्या से मैं दुखी हूं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिख समुदाय पर ऐसे हमलों को सहन नहीं किया जा सकता है और विदेश मंत्रालय से अपील है कि वो इसे उच्च स्तरीय लेवल पर उठाए और इसके लिए न्याय दिलाए। तो आपको बता दें, यह बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पेशावर में सतनाम सिंह की हत्या कर दी गई है। वो एक प्रतिष्ठित वहां के व्यक्ति थे, क्लिनिक चलाते थे, लेकिन उनको सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके बाद सिख समुदाय भारत में बहुत गुस्सा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और उन्होंने अपील किया विदेश मंत्रालय से कि इस मामले को उच्च स्तरीय लेवल पर उठाया जाए, ताकि इस परिवार को, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है सिख समुदाय, उनके इस परिवार को इंसाफ मिल सके। और यह कोई पहली तस्वीर नहीं है, पाकिस्तान से लगातार इसी तरह की तस्वीर आती है, जहां पर सिख समुदाय हो या फिर हिंदू समुदाय हो, उन पर इसी तरह से हमला होता है और उन पर यातनाएं की जाती हैं। और उसका एक और प्रमाण देखने को मिल रहा है, ये वीडियो आप देख रहे हैं कि परिवार दुख से पीड़ित है, वहां पर आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं लोगों के, और साथ ही साथ अपनों को खोने का क्या दर्द होता है। और ऐसे एक मुल्क में रहना जहां पर आप अपने ऊपर इसी तरह के खतरे को बर्दाश्त करते हुए जीते हैं, उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। सतनाम सिंह जो पेशावर में रहते थे, क्लिनिक चलाते थे, पेशे से हकीम थे, और उनकी हत्या कर दी गई है। चाहे वो हम सिंध प्रोविंस की बात करें या पंजाब पाकिस्तान में, जहां पर सिख समुदाय के लोगों पर हमला होता है, उनकी बेटियों को उठाकर लेकर जाया जाता है, चाहे वो कराची का इलाका हो या फिर सिंध का इलाका हो, जहां पर हिंदुओं पर अल्पसंख्यक होने के नाते जिस तरह से जुल्म होते हैं, ये पाकिस्तान के उस चेहरे को उजागर करता है जो खुद को एक सेक्युलर मुल्क बताने की कोशिश करता है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सतनाम सिंह की हत्या का मामला उठाया और ट्विटर पर सिरसा ने लिखा है, पाकिस्तान में सरेआम गुंडागर्दी और अल्पसंख्यक सिख समाज पर हमला हुआ है। सतनाम सिंह की पेशावर के चरादा रोड पर हत्या कर दी गई है। सतनाम सिंह पर 4 गोली चलाई गई है। हम पाकिस्तान में रह रहे भारतीयों से अपील करते हैं कि वो सतनाम के परिवार की मदद करें और न्याय दिलाने की कोशिश करें। विदेश मंत्रालय से अनुरोध है कि वो पाकिस्तान सरकार से बात करे और पाकिस्तान में सिख समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बात करेंगे हम संवाददाता विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी, खबर बहुत ही दुखद है, लेकिन कोई पहली खबर नहीं है जो पाकिस्तान से इस तरह से आ रही हो, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हो या फिर सिख हो या फिर वहां पर क्रिश्चियन हो, वहां पर इसी तरह से उन पर हमले किए जाते हैं। लेकिन अब भारत सरकार से जो अपील की गई है, उसको लेकर कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल, एक ऐसा बिल्कुल अमित, अगर हम भारत की बात करें तो हम इस मुद्दे को, अल्पसंख्यकों पर जो वहाँ अत्याचार होते हैं, जो अट्रॉसिटीज़ होती हैं, भारत यूएन के मुद्दे से लेकर के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उन पर वो इस मुद्दे को उठाता है, लेकिन पाकिस्तान है कि लगता है उसके कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। और इसके बाद हम एक के बाद एक इस तरह के इंसिडेंट्स देखते रहते हैं। कभी जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे मंदिर हों चाहे गुरुद्वारे हों, वहाँ पर हमले होते हैं। और अब जिस तरह से हकीम सतनाम सिंह की वहाँ पर निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया है, एमईए को बोला है कि वो इस पूरे मसले पर इंटरवीन करें, लेकिन कुछ असर पाकिस्तान पर होता नहीं है। इतनी बार पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको इन सब चीज़ों को लेकर के एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद कोई कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि पाकिस्तान तो ऐसा कुछ करता नहीं, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब ह्यूमन राइट्स में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, क्या भारत को और क्या फिर वहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC, वहां पर ये मुद्दे क्यों नहीं उठते हैं, वहां पर इन बातों को क्यों नहीं बोला जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उन पर जुल्म होता है? नहीं अमित, टाइम टाइम पर, समय समय पर भारत जो है
न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जिसमें से UNHRC भी एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि अन्य भी जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वहाँ पर वो इस तरह की बात उठाता रहता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ भी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जब तब डिप्लोमेटिक लेवल पर विजयलक्ष्मी आपको रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर वापस आपके पास आऊंगा। विजयलक्ष्मी, मनजिंदर जी, आपने जिस तरह से बयां किया है, जिस तरह से आपने अपील की है, ये कोई पहली बार नहीं है जब हम आपसे इस तरह से बात कर रहे हो कि किस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हो या फिर सिख हो उन पर जुल्म होता है, लेकिन इतने अपील के बाद भी कुछ होता नहीं है, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, माननीय, इसको पूरे दुनिया आज समझ रही है कि पहली बात तो यह है कि जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी का हिस्सा है, बिल्कुल दहशतगर्दी उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। तो एक तो जो उनकी देश की खुद की पॉलिसी है उससे हटकर तो जा नहीं सकते। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो कट्टरवाद के लोग हैं वो वहां पे इस्लामिक स्टेट के नाम से इसको लाना चाहते हैं कि किसी और धर्म के लोगों के यहाँ पे स्थान नहीं है। तो आप कहें चाहे वो माने इमरान खान ना माने, लेकिन उनकी मजबूरी है, इसको मानना, उनको मानना पड़ रहा है। वो देश और दुनिया को कुछ दिखाने के लिए अलग बोलते हैं। अब आप देखिए, जो कल हमला हुआ है, जो बहुत बड़ी हम सबके लिए चिंता का विषय है, वो ये है, ये ISKP ने हमले की जिम्मेवारी ली है। ISKP वो संस्था है इस्लामिक स्टेट जिसने पिछले दिनों में अफगानिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर काबुल के बाहर हमला किया जिसमें कई अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे गए, और ये वो दहशतगर्द संस्था है जिसने कल खालसा जी का कत्लेआम कराया और आज उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बकायदा। अब आप समझिए, ऐसी एक खतरनाक, जो एक कट्टर इस्लामिक और आतंकी संगठन द्वारा ये जिम्मेवारी ले लेनी कि हमने इस सिख को इसलिए मारा है क्योंकि हम इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा विषय आज चिंता का ये है। लेकिन हैरानी किस बात की है, इसके बावजूद इमरान खान जी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती या ये नहीं आती कि हम इनको नकेल डालेंगे या मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये उससे भी बड़ा चिंता का विषय है। मनजिंदर जी, एक बात मैं जानता हूं जो हमें देखने को भी मिलता है कि जो आपका सिख समुदाय है पूरे दुनिया में बहुत जबरदस्त एक दूसरे की मदद भी करता है, बहुत एक्टिव भी है। हम जब देखते हैं कि बाहरी इलाकों में जिस तरह से सिख समुदाय एक हो जाता है कुछ मुद्दों को लेकर, किसानों का एक मुद्दा भी चल रहा है उसको लेकर भी हमने देखा बहुत एक्टिव होते हुए, लेकिन जब पाकिस्तान में सिख समुदाय के लोगों इस तरह से मौत के घाट उतारा जाता है, वहां पर सिख की बेटियों को, सिख बेटियों को ले जाया जाता है जबरन, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, तो ये इंटरनेशनल जो सिख समुदाय है वो चुप क्यों बैठता है? वो क्यों नहीं आवाज उठाता UK में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में? बिल्कुल ठीक है आपने, मैं भी बड़ा हैरान हूं इस बात को लेकर कि देखिए, जब भी ये मसला उठता है वहां के खास तौर पर चुने नुमाइंदे भी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वह भी चुप कर जाते हैं, उनको क्यों सांप सूंघ जाता है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका कसूर नहीं, उनका बस भी नहीं है, वो अल्पसंख्यक की भी माइक्रो माइनॉरिटी में है, वो अगर कुछ बोलेंगे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं वो, लेकिन जो वहां से बाहर बैठे लोग हैं उनको बोलने में तो कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस मसले पे क्यों चुप्पी साध लेते हैं, ये आज तक इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं ढूंढ पाया। अब आप देखिए, सतनाम सिंह खालसा मारा जाना, भाई क्यों मारा, किस आदमी को क्यों मारा, उसके धर्म के नाम पर मारा, क्यों मारा, क्योंकि वो दस्तार सजाकर एक दूसरे धर्म को नुमाइंदगी कर रहा है, इसलिए मारा उसको। किसने मारा, जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं उन्होंने मारा। क्यों, कौन है वो लोग जो कहते हैं कि केवल एक ही धर्म इस मुल्क में रह सकता, वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद चुप कर जाते हैं। क्यों चुप कर जाते हैं, ये सवाल मैं भी बहुत सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि जो आईएस खुरासान प्रोविंस का जो है, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, रिपोर्ट्स में बात सामने आई कि इसको बनाने वाला भी ISI है, तो ऐसे में तो जो आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, तो चाहे वो उसको ISIS वाले मारे या फिर कोई और मारे पाकिस्तान में, लेकिन उनका जो रहनुमा तो एक ही है, ISI। नहीं, वो तो मैंने आपको कहा कि इमरान खान तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और बोलते हैं, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने वो उस कंट्री को चलाना, उस स्टेट को रन करना है जिसके अंदर कट्टरवाद का बोलबाला हो चुका है। और कोई भी वहां पे संस्था जो है, मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, जब करतारपुर का लांगा खुला, करतारपुर गुरुद्वारे का ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया, तो वहां की जो कट्टर संस्थाएं थी वो इसके खिलाफ खुलकर बोली। अगर इमरान खान कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं तो उनको वहां पे करने नहीं दिया जाता क्योंकि उनको उनकी नुमाइंदगी करनी पड़ रही है, इसलिए ISI का भी यही रोल है। ISI तो हमेशा से ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इनसिक्योरिटी लोगों को रहे, किसी ना किसी तरीके से दहशत फैलाई जाए और खासतौर पर बॉर्डर के आर पार के अंदर ये लड़ाई को लड़ा जाए। तो उनका मसला
हमेशा से ये रहा है, और कोई पाकिस्तान की सरकार जो है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बिना आईएसआई के वहां पे नहीं चल सकता, इसलिए जो आईएसआई करेगी वो मानना पड़ेगा। और ये जो जितनी संस्थाएं हैं ये उन्हीं के संरक्षण में चलती हैं, और आपने खुद भी अभी बताया आईएस जो केपी है ये संस्था जो है ये आप बता रहे आईएसआई ने बनाई। अब मुझे इस बात का तो ज्ञान नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि यही वो संस्था है जिसने क्लेम किया था अफगानिस्तान में, क्योंकि मेरी सुबह जब बात हो रही थी अब उनको भी ये चिंता खड़ी होगी कि जो लोग वहां अफगानिस्तान के बाहर काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिकन पे हमला करके उनको उड़ा सकते हैं, तो अगर उन्होंने हमारे सिख को टारगेट किया है तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का बिल्कुल विषय है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर विजयलक्ष्मी, जिस तरह से आप जो विदेश मंत्रालय कवर करती है, भारत के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि भारत हमेशा इस तरह की चीजों को लेकर आपने जैसे कहा कि आवाज उठाता है। अब भारत हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में है, 2 साल के लिए उसमें रहेगा। अब भारत किस तरह से इस मुद्दे को उठा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर किस तरह से जुल्म होता है, वो सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमने जिस तरीके से देखा यूएन में राइट टू रिप्लाई का ऑप्शन हमने जब एक्सरसाइज किया तो बड़े कड़े शब्दों में पाकिस्तान की बाकी चीज़ों पर निंदा की। इसके अलावा जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, भारत राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर ज़रूर उसको उठाता है। यहाँ पर जो उनके ऑफिशियल होते हैं उनको तलब किया जाता है MEA द्वारा, और कहा जाता है कि सख्त कड़ी कार्रवाई जो है वो इस तरह के मुद्दों पर करें। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक इशूज़ होते हैं और इसको डिप्लोमेटिकली ही किसी भी देश को हैंडल करना होता है। फिर उसके अलावा मल्टीलेटरल फोरम्स होते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स होते हैं। तो भारत की जहां तक बात है तो हम अक्सर देखते हैं कि जो राजनयिक हैं उनको तलब किया जाता है या भारत की तरफ से कम्युनिक वहां पर भेजा जाता है कि यह घटना हुई है, इसमें आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द करें ताकि दोषियों को बख्शा ना जाए। मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, चाहे यूएन का फोरम है या कोई और फोरम्स हैं, वहां पर भी पाकिस्तान को जब तक भारत जो है वो काब करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन दोगली बात हमेशा पाकिस्तान की तरफ से रहती है। वो बात हमेशा शांति की करते हैं, वो बात हमेशा करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन राइट के वायलेशंस हैं वो भारत की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में बेहद ज्यादा फर्क है। इतने सारे फोरम्स पे भारत उनको काफी बार जो है वो एक्सपोज कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगता नहीं कि कभी भी मानने को तैयार। लेकिन मुझे लगता है कि शायद विजयलक्ष्मी इस बार भारत अपनी जो बात है ज्यादा मजबूती से इसलिए रख सकता है क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद है, भले ही वो अभी 2 साल के, लेकिन उसके पास ये मौका होगा कि वो पाकिस्तान में जो ये अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जिस तरह से अत्याचार होता है उसको सामने लेकर आए, उस पर लेकर बातचीत करे। सिरसा साहब, एक बात बताइए कि क्योंकि आपका जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में फैला है, बहुत इन्फ्लुएंशियल जगह पर आपके लोग मौजूद हैं, चाहे वो कैनेडा हो, अमेरिका हो या फिर यूके हो, आप कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में जिस तरह से वहां पर सिखों पर या अल्पसंख्यक चाहे हिंदू ही हो उन पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कभी आवाज नहीं उठाएंगे वो? नहीं, देखिए हम लोग तो बार बार इस चीज का आग्रह करते रहे कि उनको आवाज उठानी चाहिए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपकी इंडिया टीवी ने बहुत हाईएस्ट लेवल पे उसको कवर भी किया था, जब हम 300 के आसपास लोग हिंदू और सिख जो हैं वो पाकिस्तान से एक दिन में निकाल कर लेके आए थे, और उन सबको बाद में यहाँ नागरिकता देने के लिए भी मैं गृह मंत्री अमित शाह से साथ उनको लेकर मिला था। अब विषय ये है कि ये जो काम हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये कोई आज का नहीं है। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, बर्मिंगम यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट सांझी की जो उन्होंने वहाँ पे बहुत लंबी स्टडी करके की कि तकरीबन 1500 बच्चियाँ जो हैं वो हर साल खाली सिंध प्रोविंस से किडनैप कर और उनको इस्लाम कबूल कराकर उनको अलग कंट्रियों में बेचा जा रहा है। ये इस लेवल तक का है। आज तक ग्रंथी की बेटी वापस नहीं आई, और आपको तो उनको याद है जो आपके मुद्दे आपके टीवी पे उठे हैं। बिल्कुल, मेरी नज़र में तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ 12-12 साल की, 13-13 साल की, 14-14 साल की बच्चियां जो हैं अगवा करके रखी हुई हैं, और उनके बारे में माँ बाप के लिए भी ये दिक्कत हो जाती है कि वो दूसरी बेटी को लेकर कहीं और छुप जाते हैं, पहली बेटी की बात भी डरते नहीं करते कि जहाँ जाकर बोलेंगे तो पता चल जाएगा हम यहाँ रहते हैं, दूसरी को भी उठा के ले जाएंगे। मैंने वो हालात देखे हैं। हम लोग तो इसको अपने बेस्ट लेवल पे उठाते हैं, लेकिन मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, हमें कोई धर्म या किसी जात के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अत्याचार है उसके खिलाफ हमेशा सिख है और सिख रहेगा। इस चीज को हमें आवाज को बुलंदी से उठाते रहना चाहिए। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जिस तरह से आप इसको लेकर मुखर हैं, आपके ही
जो कौम के लोग हैं, जो यूके में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं और यूएस में बैठ के कई बार भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको कभी तो अपने लोगों के लिए जो पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, कभी तो एक शब्द तो बोलना चाहिए, कभी तो एक बार उठानी चाहिए आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े। विजयलक्ष्मी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।